हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एसके काउंट क्लासेस। तो गाइज, आज हमारा एक और मिसलेनियस से डिमांड आई थी, क्वेश्चन नंबर 80 का। ठीक है, 79 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, ना देखा हो तो जाके देख लो, अभी भी चैनल में मिल जाएगा, आज ही मैंने अपलोड किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मैंने 79 के बाद आज क्वेश्चन नंबर 80 उठाया। ये भी मिसलेनियस क्वेश्चन का ही पार्ट है, रिवॉल्यूशन काउंट प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे देखो, बस ऐसा फर्क है कि 79 से थोड़ा छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे सबसे पहले रिवॉल्यूशन काउंट प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे हमारा गुडविल दिया हुआ है सी एज अ पार्टनर, सी नया पार्टनर आ रहा है, 12,000 वो गुडविल लेकर आएगा, बाकी सारी चीजें रिवॉल्यूशन वाली चीजें हैं। तो चलो देखते हैं, बिल्डिंग की वैल्यू हो गई 1,85,000, पहले कितनी थी 2,00,000। देखो यहाँ पे वैल्यू गिर गई, वैल्यू कम होती किसी एसेट की तो किस साइड लाते हो, टू बिल्डिंग। ठीक है, तो कितना 15,000। उसके बाद देखो मशीनरी की वैल्यू हो गई 40,000, पहले कितनी थी 42,000। ठीक है, तो यहां पे भी वैल्यू कम हो गई मशीनरी की 2,000 से। फिर उसके बाद यहां पे टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, देखोगे तो प्रोविजन क्रिएट करना है बैड डेब्ट्स के लिए, कितना 6%। अब 6% 34,000 का निकालोगे तो कितना आएगा 2,040। ठीक है, तो यहाँ पे 2,040 आ गया। अब इसको ऐड कर लो, कितना आएगा यहाँ पे वैल्यू 19,040। तो ये 19,040 को बांट लोगे टू लॉस अकाउंट में। ठीक है, लॉस आ गया, लॉस एंड रिवॉल्यूशन अकाउंट 19,040 का। ठीक है, हमारे पार्टनर्स थे ए और बी, तो ए और बी को बांट लेना 3:2 में। ठीक है, ज्यादातर हमारे जो रेशियो है ना, सारे रेशियो क्या है 3:2 में ही है, तो आपको बांटने बहुत आसानी हो सकती है। ठीक है, तो यहां पे बांट लेना, तो कितना आएगा 11,424 और 7,616। यहां पे देखो, इनका रेशियो आने के बाद अब जो गुडविल का शेयर है हमारा ना, वहां पे आप नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लोगे, फिर उसके बाद हमारे ओल्ड पार्टनर्स में बांट लोगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, चलो आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे न्यू रेशियो कैसे हम निकालेंगे। तो पार्टनर हमारा आ रहा था 1/6 शेयर के लिए। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स हमारे कितने शेयर के लिए थे 3:2, नया पार्टनर आ रहा था एज अ 1/6 पार्टनर। ठीक है, अब यहाँ पे 1/6 रेशियो दिया, अब हमारा न्यू रेशियो निकालना है, कैसे निकालेंगे। 1/6 जो सी का शेयर है, उससे रिमेनिंग शेयर कितना हो गया हमारा बताओ, 5/6 हो गया, मतलब 5/6 जो है वो रिमेनिंग शेयर हो गया किसका, ए और बी का। अब देखो यहाँ पे, अगर ए के शेयर में 5/6 इंटू कर दें 3/5 यहाँ पे, ठीक है, तो कितना आएगा 15/30। बी के शेयर में 5/6 इंटू कर दें, कितना आएगा 10/30। तो यहां से इनका शेयर, सी का शेयर कितना था यहां पे देखो 1/6। अब इस 1/6 को भी हमें डिनोमिनेटर में 30 लाना है। अब क्या करें, इंटू कर लो 5 और 5 से यहां पे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5/30। तो हमारा रेशियो देखो कितना आ रहा है यहां पे, 15:10:5। अब देखो, अब इसको हम अगर शॉर्टकट फॉर्म में या शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, 5 की टेबल से तीनों कट हो रहा है, कट लो 3:2:1। और यही देखो हमारा न्यू रेशियो होगा सारे पार्टनर्स का। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट में प्रिपेयर करते हैं यहां से बाई बैलेंस बीडी। ठीक है, तो इनका कैपिटल ले जाओ कितना था, 1,50,000 और 80,000। ठीक, 1,50,000 और 80,000। फिर यहां से जनरल रिजर्व ले जाना, जनरल रिजर्व भी हमारा दिया हुआ था ओल्ड रेशियो में लेके जाओगे 3:2 में ही। ठीक है, तो कितना दिया हुआ था 24,000। इस 24,000 को आप बांट लोगे, देखो 3:2 में बांटोगे, अपॉन में कितना आएगा 5, उसे डिवाइड कर लो, डिवाइड करो कितना आएगा 4,800। 4,800 को इंटू 3 कर लो, एक बार 1/2 कर लो। ठीक है, तो आपका आ जाएगा, तो यहाँ पे इसका कितना आएगा 9,800 और इसका आएगा 14,400। ठीक है, ये 600 आएगा, 9,600 यहाँ डैश लगा लो। फिर बाई गुडविल, गुडविल कितना ला रहा है हमारा पार्टनर। ठीक, देखो हमारा गुडविल आ रहा है कितना 12,000। अब यहाँ पे ध्यान दो, हमारा जनरल रिजर्व कितना था 24,000 और इनका गुडविल कितना आ रहा है 12,000, हाफ हो गया। अब इनके शेयर को भी हाफ कर दे, हमारा वही आ जाएगा, हाँ एकदम वही आ जाएगा 4,800 और यहाँ पे 7,200। चेक कर लोगे तो आपका देखो अमाउंट वही आएगा। ठीक है, अब उसके बाद बाई कैश, कितना कैश पार्टनर ला रहा है 40,000 ला रहा है, वो हो गया। और उसके बाद और कोई चीज बची है हमारे पास, नहीं, यहां पे हमारा सारा चीज हो गया। अब बस यहां इस साइड टू लॉस लेते हो, टू लॉस ऑन रिवॉल्यूशन अकाउंट, तो कितना आया था हमारा 11,424 और ये कितना था 7,000
616, ठीक। तो यहां से आप बैलेंस सीडी निकाल सकते हो, ठीक है। इसको ऐड कर लो पहले, जितना आएगा उसको फिर लेके चलना। 40,000 ये हो गया, 8614 ये 001 कैरी, और ये 94,400 यहाँ पे भी ऐड कर लो, 45,600 और इधर 4711 और ये कैरी दे दो 516 और ये 7177,600 इधर आ गया। अब इधर देखो खाली निकालो बैलेंस सीडी, 40,000 ये हमारा आ गया। उसके बाद इधर निकालो तो कितना आएगा, 86,784, ठीक है। उसके बाद इधर निकालो 160,176 ये आ गया। अब यहाँ पे भी हम सम लिख लेंगे कितना आ रहा है, 171,600, 94,400, 40,000 यहाँ पे आ गया। अब देखो क्या करेंगे, बाय बैलेंस बीडी यही अमाउंट लिख लो, ये वाला अमाउंट इधर लिख लो, 160,176, फिर 86,784, फिर यहाँ पे 40,000, ठीक। अब यहाँ पे टू बैलेंस सीडी, सबसे इंपॉर्टेंट काम ये कर लेना, अब नए वाले पार्टनर की हेल्प से पुराने पार्टनर्स का कैपिटल एडजस्ट होगा। कैसे होगा, देखो 3:2:1 दिया हुआ है, 3:2:1, अब इनका 1 है, अब जिसका 1 है सब में इनटू करते चले जाओ, इसके में 3 कर लो, इसमें में 2 कर लो, आ जाएगा ना। चलो देखो यहाँ पे 40,000 है, यहाँ पे ये 80 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू 3 कर दो कितना हो जाएगा, 120,000, 40,000 में ही करना है, 80,000 में इंटू मत कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे कैपिटल खाली ना एडजस्ट कर लो, यहाँ पे भी ऐड करोगे देखो कितना आएगा, 160,176 बड़ा अमाउंट है, 86,784 ये भी बड़ा अमाउंट है, इसलिए 40,000 यहाँ पे भी देखो ये लिख लो। यहाँ पे देखो छोटा अमाउंट है इनका, तो इनका इस सम में भी क्या लिखेंगे, 160,176 फिर 86,784 फिर 40,000 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे टू करंट अकाउंट, क्योंकि हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो है ना वो करंट अकाउंट से ही हम करेंगे, कैश से हमें कोई भी मतलब नहीं होगा यहाँ पे, ठीक। तो देखो यहाँ पे डैश हो गया, इधर कोई मतलब ही नहीं है, तो कितना आ गया 6,784 और यहाँ पे निकालो कितना आ जाएगा, 40,176। अब इन दोनों अमाउंट को आप बैलेंस शीट में ले जाना, टू साइड लिखे हो इसलिए लायबिलिटी साइड नीचे लिख लेंगे। तो बैलेंस शीट में हमारे जो एडजस्टेड पार्टनर्स का कैपिटल आया है नए पार्टनर्स की हेल्प से, वो वाले पार्टनर्स का कैपिटल लेके जाएंगे, ठीक है। चलो तो एबीसी हमारे पार्टनर थे, एबीसी पार्टनर का कितना एडजस्टेड कैपिटल आया था, 1,20,000, 80,000 और 40,000 ना, 1:2:3, ठीक। यहां पे 3 मतलब देखो 3:2:1 है ना, चलो 1,20,000 फिर 80,000 फिर उसके बाद 40,000 है, ठीक है। उसके बाद आगे देखो हमारा और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, इन सारी चीजों में कोई भी डिफरेंस नहीं आया था, उतना लिख देंगे, ठीक है। चलो तो क्रेडिटर्स हमारे कितने के थे, 36,000 के, 36,000 लिख दिए। बिल्स पेबल कितने के थे, 20,000, ठीक है। उसके बाद इस साइड ना दो और चीज लिख देना जो हमने एडजस्ट किया था करंट अकाउंट के हेल्प से, ठीक है। देखो कई बार ऐसा होता है, 79 वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि कैश से ही एडजस्ट कर देते हैं, जो पार्टनर्स के जो बीच में डिफरेंस जो आता है ना, गैप नहीं आता है एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल के बाद, वो सारी चीजों को पहले हम करते थे किससे, कैश में करते थे। इस बार किसमें करें, करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट में जिससे जैसे टू साइड आया तो लायबिलिटी साइड लिखोगे, बाय साइड आया एसेट साइड लिखोगे, समझ गए। चलो तो कितना आया था इनका एडजस्टेड वाला कैपिटल, तो करंट अकाउंट के हेल्प से लिख लेना ए का और यहाँ पे बी का। तो यहाँ पे हमने कितना निकाला था उसमें, 40,176, ठीक है। और कितना आया था, 6,784, ठीक है। यहाँ पे ऐड कर लेंगे। उसके बाद कैश वाला एडजस्टमेंट कर लेना, कैश वाला एडजस्टमेंट तो हर जगह करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कैश हमारा कितना दिया हुआ था, 10,000, इस 10,000 में आप ऐड कर लो 12,000 गुडविल का, प्लस ऐड कर लो 40,000 वो कैपिटल जितना लेकर आया वो वाला पैसा, ठीक है। तो कितना आ गया, 62,000, ठीक है। उसके बाद डेटर्स हमारे प्रोविजन क्रिएट किए थे 2040 के, तो माइनस करके चलना, ठीक है। तो डेटर्स उसमें से माइनस कर लो 34,000 में से ना, तो चलो कितना आएगा, 31,960। उसके बाद देखो आगे क्या दिया हुआ है, स्टॉक की वैल्यू हमारी 24,000 है, तो स्टॉक उतना ही लिख लो, स्टॉक 24,000, ठीक है। फिर उसके बाद मशीनरी की वैल्यू हमारी 40,000 हो गई थी, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट 40,000 और बिल्डिंग की वैल्यू हो गई थी
185,000। अब दोनों तरफ ऐड कर लो तो कितना आएगा 342,960। कितना आएगा 342,960, 342,960। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पूरा वीडियो कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे आपके सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कहीं भी फंसो जरूर से बता देना और नई डिमांड के लिए तैयार रहो।